डाइवर्ट कर दिया। जब सरकार बीजेपी नेतृत्व की आई, फिर से पेंशन शुरू किए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,000 रुपये पर लाभार्थी के हिसाब से 1 करोड़ ऐसे परिवारों को जो अनुमन्य हैं उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किए हैं। चाहे वह दिव्यांगजन पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इसे उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना पहली बार देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को व्यवसाय हेतु यह सुविधा प्राप्त हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर ये व्यापक पैमाने पर इस योजना का लाभ यहाँ के स्ट्रीट वेंडर ले रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और उद्यमी हैं, उन्हें प्रदेश सरकार टूल किट उपलब्ध, ट्रेनिंग और टूल किट उपलब्ध करवाती है। श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए, पहले भरण पोषण भत्ता और हर एक श्रमिक के पास का राशन कार्ड और नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ उसे जोड़ने का कार्यवाही। दूसरा, राज्य सरकार ने थर्ड वेव के दौरान भी और सेकेंड वेव के दौरान भी अपने कार्मिक और श्रमिकों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 करोड़ श्रमिक न केवल भरण पोषण भत्ता का लाभ ले रहे हैं बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है और 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। श्रमिकों हेतु पेंशन, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में उन श्रमिकों को जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाते हैं, उन्हें 3,000 प्रति माह की व्यवस्था पेंशन की उन लोगों के लिए पहले ही की जा चुकी है। मित्रों, श्रमिकों की कन्याओं की शादी के लिए भी अनुदान की व्यवस्था, पहले सरकारों में इस दिशा में प्रयास नहीं हो पाते थे, वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास श्रमिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने श्रमिकों के बच्चों के लिए, क्योंकि श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक होता है, आज वह लखनऊ में है, 2 महीने के बाद कानपुर चला जाता है, फिर उसके बाद वह दूसरे स्टेशन पे चला जाता है तो उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते। अटल आवासीय विद्यालय, हर कमिश्नरी मुख्यालय पर एक अटल आवासीय विद्यालय की कार्रवाई वर्तमान में हो रही है। मित्रों, गरीबों के कल्याण के लिए